एसडीएम सदर गौरव सिंह सुग्रवाल ने मंगलवार को जिले के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के साथ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा आंगन में बैठक की, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालयों का संचालन करने के लिए कहा गया है और अध्यापक छात्रों से उनके अभिभावक का सहमति पत्र लेकर ही कक्षा में बैठने देंगे, जिससे उनको किसी तरह की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा लागू मिशन शक्ति के बारे में सभी अध्यापक अपने विद्यालय में छात्राओं को बताएंगे, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके और लोगों में इसकी जागरूकता हो सके। बैठक में एसडीएम सदर गौरव सिंह सुग्रवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया सहित स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आप समस्त प्रधानाचार्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः निवेदन सर आपसे ही कि हमारे जितने ही सारे लोग, सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल्स तोड़ते रहे कोविड-19 से पूरा विश्व ग्रसित होने के कारण लगभग 7 महीने बाद विद्यालय जो खुले हैं उसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या स्थिति निकल के आ रही है। इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमारे बीच हमारे मंडल के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जेडी साहब, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री ओपी सिंह जी, हमारे सभी जनपद के प्रधानाचार्य, एडेड कॉलेज के वित्तवीन के सभी के मैं स्वागत करता हूं, साथ में उनके साथ में जो भी प्रवक्ता या अध्यापक आए उनका भी स्वागत करता हूं। ये समीक्षा बैठक जिला अधिकारी महोदय से मेरी बात हुई तो क्योंकि आज वहां पर गोला में तहसील दिवस था तो वो कुछ व्यस्त हैं, शायद ना आ पाए, तो उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से कह दिया है वो जल्दी आपके बीच में उनके स्थान पर आएंगे। पूरा देश गुजर रहा था जिसमें बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उससे क्या हुआ कि बच्चों के मानसिक दबाव भी पड़ा और हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो भी प्रभावित हुई। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सरकार ने बहुत प्रयास किया कि ऑनलाइन शिक्षा 100% पहुंचाई जाए। कानपुर नंबर एक पर था, गाजियाबाद नंबर 2 तीसरे थे, कि आज की स्थिति में हम नंबर 1 पर हैं। जो राष्ट्रीय चैनल पर हमारे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, स्वयं प्रभा चैनल पर और हमारे ये दूसरा जो है UPDD पर वो आ रहे हैं, तो हमारे जनपद के अध्यापकों का नाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फैल रहा है। इसके लिए मैं सारे प्रधानाचार्यों को, अध्यापकों को, अपने मुख्य से ज्वाइंट डायरेक्टर साहब का आभारी हूँ जिन्होंने पूरा प्रयत्न करके बच्चों की ऑनलाइन क्लास और टेलीविजन के माध्यम से, और यहाँ तक कि जो हमारे वीडियो नहीं चल पाए थे डीडी चैनल पर या टीवी नहीं चल पाए थे तो उनके लिए यूट्यूब चैनल पे भी लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि 9th, 10th, 11th, 12th के बाद में 6th, 7th, 8th के भी छोटे छोटे वीडियो 15-20 मिनट के बनाए जा रहे हैं। उससे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम लोग ऑनलाइन यानी वर्चुअल क्लासेस प्रदान करें, उसमें प्रयास सराहनीय रहा, लेकिन हम 100% बच्चों को हम पढ़ाई से जोड़ नहीं पाए क्योंकि कुछ बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं था, कुछ बच्चों के पास में घर में टेलीविजन नहीं था, इसलिए ऑफलाइन क्लास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उसके लिए सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा, पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा फैसला हुआ कि हमारे जो बच्चे थे 9th, 10th, 11th, 12th उनको SOP के माध्यम से यानी कि कुछ कोविड-19 के दिशा निर्देशों के निर्देशों में विद्यालय खोलने की अनुमति दी। उसमें स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका अच्छा पालन करना है, उसमें कोताही नहीं बरतनी है हमको। साथ में ही हमको बच्चों के पूरे 100% बच्चों को नहीं बुलाना है, 50% बच्चों को बुलाना है। उसमें 9th और 10th क्लास हमारी जो 8:50 से 11:50 तक क्लास चलेगी 50% बच्चों के साथ में, उसके बाद में आधा घंटे का इंटरवल होगा, उसके बाद में हमारी 12:20 से 3:20 तक 11th, 12th की क्लास 50% बच्चों के साथ चलेगी।
उसमें भी अभिभावकों की सहमति बहुत ही अनिवार्य है। किसी बच्चे को आप मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमारे विद्यालय में आइए। बच्चों की के अभिभावक पूरी तरह तैयार हैं। आपके यहाँ COVID-19 की जो भी प्रिकॉशंस हैं पूरी तरह है कि नहीं है? बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा बीमार होता है उसके लिए सिक रूम है कि नहीं है? स्वास्थ्य सिक्योरिटी है कि नहीं है? फर्स्ट एड की व्यवस्था है या नहीं है? आपको पूरी रखनी पड़ेगी। उसी शर्तों पे ही ये आपके लिए किया गया है। साथ में ही बच्चे मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन 100% को करना ही है। यहाँ तक कि हमारे अध्यापकों को भी करना है कि जब भी क्लास में जाएं तो उनको जो भी COVID-19 में खास तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसको ध्यान रखना है। ये आपने जब कल के दिन भी मैंने लगभग 15-16 विद्यालय को निरीक्षण किया था, आज भी 7 विद्यालयों को निरीक्षण किया है मैंने। उस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप लोगों का क्लास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है कि हमारे जो विद्यालयों में लगभग 20-25% तक उपस्थिति पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन क्लास के साथ में ही हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको जारी रखना है। सारे बच्चों को जो टीवी में हमारे शेड्यूल दिया जाता है, हर सोमवार को हर अखबार में दिया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितने बजे कौन सी क्लास चलाई जाएगी, हम आप लोगों के सारे प्रिंसिपल के ग्रुप में डालते हैं, नोडल के ग्रुप में डालते हैं। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कितने बजे कौन सी क्लास चलेगी, जिससे हमारे जो बच्चे जो 50% एक दिन आए किसी दूसरे दिन आएंगे वो अपनी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, इसका भी ध्यान रखना है। इस समय दोनों क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है ऑफलाइन भी चल रही है, इसको हमको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ में ही COVID-19 फर्स्ट है, बच्चे की सुरक्षा फर्स्ट है, चाइल्ड माली फर्स्ट है, उसके अभिभावक फर्स्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि धोखे में बिना अभिभावक की अनुमति से बच्चा आ जाए और किसी समस्या में आप लोग हम लोग पड़ जाएं। ये बातें आज भी चल रही है, लेकिन मुझे आप बताइए, हम एक अभिभावक के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी और एक प्रधानाचार्य के रूप में भी इसमें विचार करते हैं अगर, तो जहां कुछ नहीं था अन्य स्थिति होती है क्या, जब हम हजारों बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ा रहे होते हैं तो क्या हम 100% रिजल्ट अचीव कर पाते हैं कभी किसी चीज का? कभी नहीं कर पाते, वो संभव भी नहीं है। हम पूरी सक्रियता से, पूरी सजगता से, ऐसा नहीं होता कभी, प्रयास अनवरत चलते हैं। और ऑनलाइन टीचिंग जो चली, मैं आज दावे से कह सकता हूं कि कम से कम 20-25% छात्रों और छात्राओं ने इसका लाभ उठाया है। अध्यापन करते हैं उसमें जो चीज आती है, उसमें जो गहराई है, उसमें जो ग्राह्यता है छात्रों की, वो संभव नहीं। पहले 1000 साल पहले या 100 साल पहले ये व्यवस्था ही खड़ी नहीं होती, एक शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जो रूबरू शिक्षण कार्य है उसका कोई दूसरा विकल्प, सारे बिंदु आज के एजेंडा के हैं। आज अनिल गुप्ता जी ने सारे विषयों पर अपनी बात को रख लिया है, मैं बहुत देर तक आपके बीच में, हमारे सारे अधिकारीगण हमारे आपके हमारे बीच में अपनी बात को रखेंगे। में भौतिक शिक्षण करने का कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 8:50 से लेकर के 11:50 तक, और इसके बाद इंटरमीडिएट की कक्षाओं का संचालन 12:50 से 3:50 तक होगा। आज के सर बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की बैठक जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा आयोजित की गई है, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे COVID-19 के परिणाम स्वरूप जो अब विद्यालय खुल रहे हैं हमारे, उस विद्यालय में कैसे पठन पाठन हो और क्या करना है। ये निर्देश तो पहले भी दिए गए हैं लेकिन फिर से एक वार्ता के तौर पर उनसे बात कर ली जाए। और दूसरा ये है कि मिशन शक्ति के विषय में और चर्चा करना, और लोगों को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है मिशन शक्ति, इसके विषय में अवगत कराना।